नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि Drupal में जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है उसको आप कहां पर देख सकते हैं और उन पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये सभी आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स में, ऑल कंटेंट शॉर्टकट पर जाकर। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जितना भी कंटेंट आपके वेबसाइट में है वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, इस समय हमारी वेबसाइट में टोटल 4 कंटेंट हैं, जिसमें से 2 बेसिक पेज हैं और 2 आर्टिकल हैं। तो ये तो शॉर्टकट से मैंने आपको दिखाया। अगर शॉर्टकट से डिलीट हो जाता है किसी तरह से तो आप जाएंगे मैनेज पर कंटेंट ऑप्शन पर जाएंगे तो भी आप इसी पेज पर पहुंच जाएंगे, ये देखिए। और आप चाहें तो डायरेक्ट URL को भी आप याद रख सकते हैं, आपकी वेबसाइट /admin/content। तो इस कंटेंट पेज पर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, देखिए। पहला ऑप्शन है कंटेंट का, दूसरा ऑप्शन है कमेंट का और तीसरा ऑप्शन है फाइल्स का। अभी तक हम कमेंट्स के बारे में और फाइल्स के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये कंटेंट पेज पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन दिया है एड कंटेंट, तो आप यहां से क्लिक करके भी एक कंटेंट को एड कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये फिल्टरिंग का है। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी Drupal वेबसाइट ग्रो होते होते धीरे धीरे इसमें 500 या 1000 कंटेंट भी हो जाते हैं और उनके कंटेंट टाइप अलग हैं, ऑथर अलग हैं, स्टेटस भी अलग हो सकता है। कुछ पब्लिश्ड होंगे, कुछ प्रमोटेड होंगे, कुछ ड्राफ्ट मोड में होंगे, डेट भी उनकी अलग हो सकती है। तो आप कैसे फिल्टर करेंगे, आप सभी को थोड़े विजिट करते रहेंगे। तो इसके लिए फिल्टर आपको दिया हुआ है, बोला कि पब्लिश स्टेटस क्या देखना चाहते हैं, पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड। अगर हम करते हैं कि अनपब्लिश्ड कंटेंट को हम देखना चाहते हैं और फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इस वेबसाइट में 4 कंटेंट हैं और चारों के चारों पब्लिश्ड हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि अनपब्लिश्ड कंटेंट कौन से हैं तो आप बस इस फिल्टर को सेट करेंगे और फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, आगे सिर्फ पब्लिश्ड ऑप्शन में चारों आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बेसिक पेज ही दिखाई दें आपको, सो पब्लिश्ड बेसिक पेजेस ओनली, फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा, सिर्फ पब्लिश्ड बेसिक पेजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको एनी भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी स्टेटस हो, चाहे पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड हो, लेकिन कंटेंट टाइप बेसिक पेज हो तो हमारे सामने आ जाए, तो फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे जाएंगे। टाइटल आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं टाइटल लिखता हूं अबाउट और फिल्टर करता हूं तो देखिए सिर्फ एक आ रहा है। तो एनी यानी पब्लिश स्टेटस चाहे जो भी हो, कंटेंट टाइप बेसिक पेज है, टाइटल में अबाउट आ रहा है तो देखिए मेरे सामने से फेक कंटेंट आ गया। तो बेसिकली फिल्टर करने के ऑप्शन है, सर्च करने के ऑप्शन है, जिससे कि आपको ज्यादा कंटेंट होने पर परेशान ना होना पड़े, आप खुद से इस टूल की मदद से उसे सर्च कर सके। तो मैं इसको भी एनी कर देता हूं। और यहां अगले ऑप्शन है लैंग्वेज का। तो इस साइट की डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखे हुए वो सभी दिखाई दें। इस तरह से इंटरफेस टेक्स्ट लैंग्वेज है, ये थोड़े से एडवांस ऑप्शन है, ये हम धीरे धीरे बाद में सीखेंगे। तो लैंग्वेज के बारे में फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन Drupal 8 में आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं और इसलिए ऑप्शन यहां पर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे फिल्टर को रीसेट कर दिया जाए किसी समय पर, तो आप रीसेट पर क्लिक करते हैं तो ये फिल्टर रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने पर सभी कंटेंट आपको यहां पर दिखाई देने लगेंगे। अगला है एक्शन। सो एक्शन परफॉर्म किया जा सकते हैं क्या क्या, डिलीट कंटेंट, मेक कंटेंट स्टिकी, अनस्टिकी, प्रमोट टू फ्रंट पेज, पब्लिश, सेव, रिमूव और अनपब्लिश कंटेंट। ये कुछ ऑप्शन हैं। ये किस पर अप्लाई किए जा सकते हैं, किन्हीं भी कंटेंट पर। तो कंटेंट को आप सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे। तो आप जानते हैं कि अबाउट पेज जो है और टर्म्स एंड कंडीशंस पेज, ये जो है, ये दोनों पेज प्रमोटेड है। देखिए Drupal8.ml पर अगर हम विजिट करते हैं तो देखिए अबाउट पेज जो है वो स्टिकी है और बाकी सभी प्रमोटेड भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पेज, जैसे कि अबाउट पेज जो है वो हमने मेन्यू में यहां पर रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि इसको प्रमोट ना किया जाए, तो मैंने इसको चेक किया और यहां पर ऑप्शन है रिमूव कंटेंट फ्रॉम फ्रंट पेज, क्लिक कर दिया और अप्लाई टू सिलेक्टेड आइटम्स किया। इससे क्या होगा, ये फ्रंट पेज से अब हट जाएगा, कंटेंट तो रहेगा लेकिन अब ये प्रमोट नहीं है। तो अगर हम होम को विजिट करते हैं तो आप देखेंगे अबाउट Drupal 8 पेज जो है वो इस पेज से हट चुका है, फ्रंट पेज पर नहीं है। आप
सभी कंटेंट को अनपब्लिश करना चाहते हैं फ्रंट पेज से, तो आप सभी को करके रिमूव कंटेंट फ्रॉम फ्रंट पेज ऑप्शन को चूज करिए और अप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, सभी कंटेंट फ्रंट पेज से हट जाएगा। अब अगर आप होम को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ भी आपके फ्रंट पेज पर नहीं है और वापस ये ऑप्शन आ रहा है कि नो फ्रंट पेज कंटेंट हैज बीन क्रिएटेड येट। हम चाहते हैं कि चारों के चारों को ही प्रमोट किया जाए, तो दोबारा सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको प्रमोट कर लेते हैं फ्रंट पेज पर। अप्लाई टू सेलेक्टेड आइटम्स करते हैं और अब जब हम फ्रंट पेज को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे चारों के चारों कंटेंट यहां पर आ चुके हैं। तो Drupal 8 ट्रेनिंग जो है वो स्टिकी भी है। अगर आप चाहते हैं कि इसको स्टिकी ना रखें तो इस पर क्लिक करें और यहां पर मेक कंटेंट अनस्टिकी ऑप्शन को चूज कीजिए और अप्लाई टू सेलेक्टेड आइटम्स पर क्लिक कर दीजिए। अब ये अनस्टिकी हो जाएगा और अबाउट सबसे नीचे आ जाएगा क्योंकि सबसे पहले इसको क्रिएट किया गया था। देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आप इस कंटेंट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां से आप इसको विजिट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कमेंट्स और फाइल्स के बारे में जानकारी लेंगे तब हम वापस आकर इन दोनों ऑप्शंस को भी सीखेंगे। अब देखिए, इसके आगे भी ऑप्शन दिया हुआ है एडिट करने का या डिलीट करने का। तो आप यहां से चाहें तो एडिट पेज पर जा सकते हैं इस पेज के, या इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। तो एडिट पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए हम एडिट पेज पर पहुंच चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके हैं कि हम कंटेंट पेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कंटेंट पेज पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। सो मैनेज पर जाकर भी पहुंचा जा सकता है कंटेंट पेज पर, और शॉर्टकट्स में भी एक ऑल कंटेंट नाम से लिंक है, वहां पर भी जाकर हम इस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो कंटेंट एडिटिंग के बारे में काफी कुछ आप जान चुके हैं। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे साइट इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के बारे में। तो अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।